Good morning students, this is KD sir from Shivam Education. Today we are going to see Standard 12 Business Administration BA Chapter number 1 Nature and Significance of Management, and from that chapter we are going to cover functional areas of management. But chalo, कोई भी बिजनेस करने के लिए राइट बहुत सारे फंक्शंस करने पड़ते हैं. ऑलरेडी हम लोगों ने ये चीज कवर किया था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, बहुत सारे एक्सपर्ट्स के व्यूज में, और उसमें इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमने पढ़े थे. तो ये जो सारे फंक्शंस जो अच्छे बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए करना पड़ता है, वो किस एरियाज पे करना पड़ता है राइट, किस सेक्टर्स पे करना पड़ता है, वो चीज हम आज देखेंगे. एंड दैट फ्यू फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट आर 1 marketing management, second is human resource, third is finance, that is financial, and another is production. Now, let's understand these 4 points, right? पहले कोई भी business करो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आप जिस product से deal करने वाले हैं, उस product का demand क्या है, उस product का demand कितना है market में, वो product कितना जा सकता है, right? और अगर already आप business कर रहे हो तो इस साल प्रोडक्ट का कितना डिमांड है, वो भी अगर जानना है तो सबसे पहले है मार्केटिंग. ये मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, बिकॉज अ बिजनेस स्टार्ट्स विथ मार्केटिंग एंड एंड्स विथ मार्केटिंग राइट. प्रोडक्ट की डिमांड से लेके प्रोडक्ट के रिसर्च से लेके प्रोडक्ट का एनालिसिस से लेके प्रोडक्ट के सेल प्रमोशन सब कुछ मार्केटिंग से होता है. तो प्रोडक्शन मार्केटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, very very important sector for any business right. Next comes finance and production. ये दोनों थोड़े मिले हुए हैं, क्योंकि जैसे डिमांड पता चला प्रोडक्शन को प्रेशर आएगा, प्रोडक्शन हैज टू मेक प्लान टू प्रोड्यूस दैट मच प्रोडक्ट राइट. उस प्रोडक्ट को डिजाइन देना, उस प्रोडक्ट को राइट एक अच्छा रिसर्च करके उस फीचर से ऐड करना, ये सारी चीज के लिए जो फाइनेंस की जरूरत है वो करता है फाइनेंस डिपार्टमेंट, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट. और ये तीनों चीजों के लिए राइट, ये तीन ही चीज अपने आप हो नहीं सकती है, तो ये तीनों चीजों के लिए जो मैन पावर की जरूरत है वो है ह्यूमन रिसोर्स, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस एंड प्रोडक्शन एरिया, प्रोडक्शन मैनेजमेंट राइट. नाउ लेट्स स्टार्ट. द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्वांटिटी ऑफ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन द डिमांड ऑफ गुड्स. The functions of marketing management is to get the information about the market demand. The function of financial management is to arrange the finance and other related matters to produce the goods as per the demand. Now, whereas the making arrangement of human resource in order to perform all these three functions is the function of human resource management. Now, we will cover one by one. The first one, marketing management. In broad sense, if you see, marketing management is the activity of providing goods or services from producers to customers. ये सब लोग जानते हैं, producers से खरीदा और customers तक पहुंचाना marketing. लेकिन marketing का बहुत depth meaning है, we study in further channel. Right? Marketing management includes exchange of goods with money as well as market research, distributive method, sales promotion, स्टोरेज, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ये सारे फैक्टर्स इंक्लूड है, ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड है राइट. नाउ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस विच डिसाइड्स द नेसेसिटी ऑफ कस्टमर्स, बिकॉज दे आर द पर्सन, दे आर द पीपल, और दे आर दिस इज द डिपार्टमेंट विच ऑलवेज कीप ऑन रीडिंग द कस्टमर्स मार्केट. This is the thing. It is converted into goods or services, and then these goods or services are finally made available to the customer or consumer or user. Thus, it can satisfy the needs of a particular customer or group of such people. It gives importance to the optimum utilization of resources and profitability of organization. I hope you understand this word, optimum utilization of resources. जो उनके पास रिसोर्स है, जो उनके पास अवेलेबिलिटी है, उस अवेलेबिलिटी का मैक्सिमम यूज करके कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दिलाना, ये है मार्केटिंग मैनेजमेंट का. मार्केटिंग मैनेजमेंट एम्स एट क्रिएटिंग डिमांड्स फॉर गुड्स और सर्विसेज राइट. ये दिस इज द थिंग, सी डिमांड्स एंड गुड्स और सर्विसेज, लेट मी एक्सप्लेन दिस राइट. ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट अगर कंपनी को सही डिमांड दिखाता है तो कंपनी का फायदा भी हो सकता है और नुकसान होने से बच भी सकता है.
फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी जो चल रहा है COVID-19, हाइड्रोक्लोरोक्सीन जो दवाई है, जो टेबलेट की जरूरत है, सपोज मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने ये बताया कि गुजरात में इतने लाख टेबलेट की जरूरत है, राइट? तो अगर वो डिमांड को उन्होंने सही रीड करके अगर प्रोडक्शन मैनेजर को या प्रोडक्शन मैनेजमेंट को बताया है, तो फाइनेंस और प्रोडक्शन मिलके उस प्रोड्यूस करेंगे और मार्केटिंग मैनेजमेंट उसे मार्केट का सही यूज करके कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी दिलाएंगे, राइट? प्रॉफिट ज़्यादा दिलाएंगे। लेकिन अगर उनका मार्केटिंग एनालिसिस गलत रहा, अगर उन्होंने डिमांड बताने से कम रह चुक गए, तो जैसे हर साल बनाते हैं खाली 2 लाख टैबलेट, अगर उन्होंने सिर्फ 2 लाख टैबलेट बनाया और उनके 2 लाख टैबलेट सिर्फ चंद दिनों में ख़त्म हो गया और डिमांड बहुत निकला, तो दिस कैन बी दी प्रॉब्लम डेफिसिट और डेफिशिएंसी ऑफ दी मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंस है कोई भी बिजनेस में, राइट? नाउ दस इफ कैन सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अ पर्टिकुलर कस्टमर और ग्रुप ऑफ सर्चमर। नाउ मार्केटिंग मैनेजमेंट एम्स एट क्रिएटिंग डिमांड फॉर गुड्स और सर्विसेज। द मेन एलिमेंट्स ऑफ द गुड्स और सर्विस इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी, इंक्रीज इन सेल और पैकेजिंग एटसेट्रा। दीज आर द मेन एलिमेंट्स आर, राइट? नाउ लेट्स सी द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट, हर कंपनी का एक प्रोडक्ट होता है, राइट? उस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, राइट? द डिसीजन रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इंक्लूड्स अपीयरेंस, कलर, साइज, शेप, वेट, प्रिंट, पैकिंग, गारंटी ऑफ वर्क, आफ्टर सेल सर्विसेज, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एटसेट्रा। सी दिस इज व्हाट प्रोडक्ट मीन्स। आप अगर ऐसा समझते हो कि मैंने ये चीज सिलेक्ट किया और मार्केट में दे दिया और बिक जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। व्हेन यू सिलेक्ट अ प्रोडक्ट यू हैव टू डिसाइड मेनी थिंग्स, राइट? यू हैव टू डिसाइड द कलर ऑफ द पैक, द कलर ऑफ द प्रोडक्ट, यू हैव टू डिसाइड द शेप ऑफ द योर पैकेज प्रोडक्ट, यू हैव टू डिसाइड द प्रिंट हाउ इट विल बी, हाउ इट विल बी द पैकिंग, गारंटी ऑफ वर्क, आफ्टर सेल सर्विस कैसा रहेगा आपका, उसमें फिर कंपनी ऑलरेडी मार्केट में इस आपके जैसा प्रोडक्ट कितने हैं, कौन सा सबसे ज़्यादा बिकता है, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, दिस ऑल थिंग्स इंक्लूड इन द प्रोडक्ट। नाउ प्रोडक्ट मिक्स, व्हाट इज प्रोडक्ट मिक्स? प्रोडक्ट मिक्स मतलब एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट, अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट। क्योंकि कोई भी अगर बिजनेस लेते हो, सपोज सोप इंडस्ट्री ले लेते हो, अगर आप सोप इंडस्ट्री लेंगे तो वो एक लाइन के जो है ना, सपोज बाथ सोप, राइट? बाथ सोप है तो दिस इज एक रेंज आ जाता है, तो वो सारे प्रोडक्ट्स एक लाइन में आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट मिक्स। This is called product mix. So a line of our same type of product coming into the same category is called product mix, right? So price. In modern times, a customer expects availability of better quality of goods at reasonable price. Yes, today's market is of the today's market expects the same thing. Kam dam, achhi cheez, right? Cost. Price less but quality more. So therefore we need to satisfy their customer. Therefore utmost care should be taken while deciding the price of the product. The price decision includes sale policy, right? Sales policy, credit policy, policy regarding discount, wholesale or retail sale, and also commission to mediators, etc. or wholesale. Yes, price sirf ek khali aapne bola ki market pe itna hai to ye price nahi, aapko us price mein आपका सारा कॉस्टिंग आ जाना चाहिए, प्लस आपका प्रॉफिट आना चाहिए, राइट? इंक्लूडिंग गवर्नमेंट टैक्स, ये सब कुछ मिला के अब क्या होता है, दैट इज कॉल्ड प्राइस। और वो प्राइस आपका कॉम्पिटिटिव होना जरूरी है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्रोडक्ट बना लिया आपने, प्राइस सब फिक्स कर लिया, अब डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज इट इज द बेस्ट हाउ यू मेक योर प्रोडक्ट रीच टू द कंज्यूमर और कस्टमर। Right, let us see. Distribution mix includes decision regarding various ways of selling, like direct selling through the wholesaler, retailers agents, as well as problems related to the transportation, etc. Distribution mix is related to size and scope of business. Size and scope of industry का मैं मतलब बताता हूँ। अगर एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, अगर एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है, तो उसका होगा चैनलाइजिंग के थ्रू, वो डिस्ट्रीब्यूटर ने उस तरह। अगर एक छोटी कंपनी है जिसका प्रोडक्शन कम होता है, तो वो सिर्फ एक डीलर रखेगा या तो वो खुद डायरेक्ट भी मार्केटिंग करेगा। दिस आर दी डिपेंड ऑन द साइज एंड द स्कोप ऑफ द बिजनेस यूनिट, राइट? नेक्स्ट इज प्रमोशन।
ये जैसे मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फिक्स कर दिया, लेकिन फिर भी कंज्यूमर तो अपने घर पे बैठा है, कस्टमर अपने घर पे बैठा है, उससे कैसे पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, आपके प्रोडक्ट में ये फीचर स्पेशल फीचर्स क्या है। दैट इज द वे टू प्रमोट, राइट? यू मस्ट मेक अवेयरनेस ऑफ योर प्रोडक्ट, यू मस्ट मेक कंज्यूमर नो व्हाट इज योर प्रोडक्ट मेड अप ऑफ। द प्रमोशन एम्स एट द रिमार्केबल इंक्रीज इन सेल, इट इंक्लूड्स अ मैटर लाइक एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, सेलिंग थ्रू सेल्समैन वेज एंड मीन्स टू अट्रैक्ट कस्टमर्स एंड ट्रेडर्स एक्सेट्रा। दो प्रमोशन मेक्स इज एक्सपेंसिव, इट लीड्स टू इंक्रीज इन सेल विच रिजल्ट्स इनटू हायर प्रॉफिटेबिलिटी। यस, याद रखो ये जो प्रमोशन मिक्स है वो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, लेकिन वो एक्सपेंस आपका एक्स्ट्रा सेल कर सकता है, आपका सेल्स में ऐड कर सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपका प्रॉफिट प्रॉफिट में इंक्रीज हो सकता है। सो लेट्स नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स के पहले हम सबसे पहले एक्चुअली ये करेंगे सबसे फाइनेंस, फाइनेंस और प्रोडक्शन ये दोनों करने के बाद हम ह्यूमन रिसोर्स करते हैं, राइट? फाइनेंस, फाइनेंस इज लाइक द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, नो एक्टिविटी इज पॉसिबल विदाउट फाइनेंस। ये आप सब, आप और हम सब जानते हैं, अगर बिजनेस करना है तो मनी की जरूरत है, अगर आपके पास एम नहीं है तो बिजनेस नहीं है, राइट? तो विदाउट फाइनेंस देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस। फाइनेंस रिक्वायर्ड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट, डेवलपमेंट, एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द बिजनेस। देखिए, स्टार्ट करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, उसको एक्सपांड करना है तो भी, और उसको अगर मॉडर्नाइजेशन करना है, हर चीज के लिए आपको क्या जरूरत है? यस, विटामिन एम, दैट इज कॉल्ड फाइनेंस। नाउ मीनिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद द फाइनेंस फंक्शंस ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल फंक्शंस मीन्स द फंक्शंस ऑफ एक्विजिशन, मतलब गेटिंग, यूटिलाइजेशन, जो आपको आपको मिला है, जो आपको ये मनी या आपने जहीं से भी कैपिटल लिया है उसका यूज कैसे कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड यूटिलाइजेशन। देन एलोकेशन ऑफ कैपिटल, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यू हैव टू एलोकेट द फाइनेंस एज पर द डिपार्टमेंट वाइज, एज पर द नीड वाइज एंड एज पर द रिक्वायरमेंट। तो दिस फंक्शन मस्ट बी डन इन एन आइडियल एंड एफिशियंट मैनर, आइडियल एंड एफिशियंट मैनर। नाउ फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्लूड इन द financial management, that is functions of financial management. First one, to estimate the financial needs, right? To make financial plans from the point view of the time duration, कितना time बचा है, for example ले लेते हैं, मेरे को मुझे अगर अभी 2 लाख रुपए चाहिए मेरे छोटे बिजनेस के लिए तुरंत, मुझे अगर 2 लाख रुपए चाहिए on urgent basis तुरंत, तो मैं क्या करूँगा, कोई भी private financier से खरीद ले लूँगा, right? क्यों? मुझे ज़रूरत है अभी। लेकिन अगर मुझे एक बड़ा बिजनेस मिला है, बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, तो व्हाट आई डू, टाइम ड्यूरेशन काफ़ी है, देन आई विल गो फॉर अ बैंक लोन, वो भी गवर्नमेंट बैंक लोन, जिसका इंटरेस्ट कम होता है और जिससे हमको ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो दिस इज द थिंग, यू हैव टू मेक द फाइनेंशियल प्लान फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाइम ड्यूरेशन। टू प्रिपेयर बजट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बजट इज नथिंग बट ए फोरकास्ट स्टेटमेंट, राइट? अ स्टेटमेंट मेड फॉर दी फ्यूचर एक्सपेंसेस, आप कल क्या करने वाले हैं उसका सारा चीज का सेट अभी बना देते हैं, सो दैट कल कुछ प्रॉब्लम आए तो आज सॉल्व करने की कोशिश कर सकें, कल के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। वी कैन नॉट एश्योर दैट वो बजट जो है सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट इज टू एलोकेट फंड, तो जैसे हमको बजट मालूम पड़ गया तो हमको हमारे पास जो फंड्स है, फाइनेंस है, उसको एलोकेट करना है। To decide capital structure and to select sources of acquisition of capital, this is also very important. Finance start होता है acquisition से, right? Business करना है तो finance की जरूरत है, मैंने बताया vitamin M, अभी ये vitamin M आएगा कहाँ से, sources कौन से, वो आपको select करना है। Sources तो बहुत सारे हो सकते हैं, sources तो मैं कभी भी कोई private financier से करोड़ों में ले सकता, लेकिन उसका interest भी ऐसा होगा, फिर मतलब नहीं है आपके product का cost का, फिर मतलब नहीं है, फिर आपको प्रॉफिट नहीं होता, राइट? तो ये जो अगर आपको है तो यू हैव टू डिसाइड व्हाट शुड बी द सीक्रेट रिसोर्सेज। और ये जैसे मैंने पहले पॉइंट में बताया था, इट डिपेंड्स ऑन द टाइम ड्यूरेशन ऑल्सो। तो ये जो है पहले सारे रिसोर्सेज हम डिसाइड करके बैठे हैं कि हमें कहाँ कहाँ से कैपिटल मिल सकता है। टू कैरी आउट द प्रोसीजर फॉर एक्वायरिंग इन द फाइनेंस, टू सी दैट द एक्वायर्ड फंड्स आर प्रॉपरली यूटिलाइज, उसके बाद आता है यूटिलाइजेशन, और उसके बाद फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाना, to plan for taxes
and to make arrangement of asset. Financial का और एक important है, कितना आप asset बनाओगे उतना business growth हुआ है, जितना आपने assets बनाया business में उतना आपका business develop हुआ है. So to make arrangement of assets. Next, production management. अब finance अगर arrange हो गया है तो product जो बनाना है वो आपका आएगा, तो ये आएगा production management में. Process of conversion of naturally available raw material into the consumable finished goods with the help of human efforts is known as production. वापस बताता हूँ, production of conversion of naturally available raw material into consumable finished goods, जो product बोलते हैं finished goods, with the help of human efforts, without human efforts not possible, so with the help of human efforts is known as production. Production management produces goods and services which are capable to satisfy customers' need. Right now, meaning, production management is the process which includes production planning, deciding programs, maintaining coordination, direction and keeping control. Production में ये सारे चीज आ जाते हैं, planning, right, programs, किस तरह बनेगा, किस किस मतलब कितनी बार बनेगा, कितने sectors में बनेंगे product, फिर उसका maintaining, coordination, क्योंकि product बनाना मतलब बहुत सारे department involved है, production में भी बहुत सारे department, सबका coordination रहना जरूरी है, then only the end product can come or can be made at the right time, right, and decision and keeping control. Let's see the functions of production management. First of all, production plan, right? Very important to decide the production plan. हर एक में देखा आपने, starting से अगर हम देख रहे हैं ये chapter के starting, सबसे पहले आता है plan. भले वो marketing हो या finance हो या HR हो या आपका this production plan is first to undertake the production research. Next, to plan select product development as well as the product mix. To select technology and machinery, the modern machinery, जितना आपका मशीन हुआ है उतना जल्दी production होगा, time कम होगा पर आपका profitability ज़्यादा होगा. So you have to select the technology and machinery as per the your cost of the product. To take decisions regarding selection of location as well as layout, this is very important. आपको decide करना है कि आपका जो plant है वो कहाँ रहेगा, कितना पास में रहेगा, transportation के लिए कितना, क्योंकि ये हर चीज़ आपका कॉस्ट ऐड करता है. ध्यान रखिए, दिस आर दी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आपका प्लांट गांव से बहुत दूर है और आपका रेलवे स्टेशन और ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी कॉस्टली हो जाता है तो आपके प्रोडक्ट में प्राइस में ऐड हो जाएगा एंड यू विल नॉट एबल टू कॉम्पीट विद दी अदर मार्केट, अदर कंपनीज, राइट, अदर कॉम्पिटिटर्स. टू एस्टिमेट रिक्वायर्ड मटेरियल एंड अदर नीड्स फॉर प्रोडक्शन, टू हैव प्रोडक्शन कंट्रोल, टू हैव क्वालिटी कंट्रोल, to undertake activities to control expenditure or cost and to maintain and increase the productivity. Now to introduce variation and simplification in production. सबसे में variation होना चाहिए कुछ अलग, right? लेकिन at the same time simplification, very simple way of the production, right? अब ये तीन तो हो गए, यहाँ से हम आते हैं, ये तीनों चीज अगर हमको अच्छी तरह करना है, efficiently करना है, right? Successfully करना है तो you need human. Right, human is the main person, human is the main source who can do all these three, right? So every business unit takes care of its assets like land, building, machinery, furniture and vehicles. Yes, HR management ka main aapko pehle meaning samjha deta hu, right? Jis tarah ek businessman apne sare assets ka dhyan rakhta hai, jis tarah ek businessman apne sare cheezon ka, right, जैसे मशीनरी हो, फर्नीचर हो, व्हीकल्स हो, सबका ध्यान रखता है, केयर करता है, उसी तरह सबसे इम्पोर्टेंट एसेट अगर आपके बिजनेस का है तो वो है ह्यूमन, ह्यूमन रिसोर्स जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट, दैट इज एम्प्लॉईज, स्टाफ आप बोल सकते हैं. और उस स्टाफ का अगर आपने सही ख्याल रखा, उस स्टाफ का अगर आपने सही मेंटेन किया, देन योर कंपनी इज गोइंग टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल कंपनी, राइट. तो employees working in the business unit are also your live asset. To take care of them and success of the business depends on the employees. So business objectives can easily and successfully achieved if their needs are satisfied. Conducive environment, that is comfortable environment, agar provide kiya jaye, proper care liya jaye, to aapke staff aapke paas hi rahenge, aapke employees aapke loyal banke rahenge, aapke employees aapke liye zyada kaam karenge. राइट, क्योंकि वो इतने एंथू हो जाते हैं, लॉयल हो जाते हैं,
और वो अपने यूनिट वननेस का मतलब बता देता हूँ, द फीलिंग ऑफ वननेस अमंग एम्प्लॉइज डेवलप, दैट इज ये मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी है, मैं अपने कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, राइट। ही विल नेवर कंसिडर हिम एज अ वर्कर और ए स्टाफ, दैट इज कॉल्ड वननेस ऑफ द कंपनी, वननेस ऑफ द फीलिंग, राइट। Now it increases their work efficiency, and this way the work efficiency increase. Our main purpose of HR management is to increase the work efficiency of your employees. Meaning, human resource management is the process which takes into consideration matters like proficiency, right, knowledge, intelligence, likes and dislikes, personal development, necessity, etc. of the employees, integrates them in business objectives, integrating, getting together with them, business objective, and channelizes the business towards the path of the success and profitability, right? वापस वाला profitability, sorry, success and profitability. So ये सारी चीजों को अगर साथ में मिला के company का objectives को भी channelize करें, right? तो आपका company success भी बनेगा और profitable भी बनेगा. Let's see the characteristics of the HR. Human resource management includes selection, ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड डायरेक्शन टू दी एम्प्लॉयज, राइट। जैसे मैंने पहले बताया, स्टाफिंग या तो एच आर का काम सिर्फ इंटरव्यू लेके नौकरी पे रखने का नहीं है, राइट। एम्प्लॉयज को सिलेक्शन करो, ट्रेनिंग दो, प्रमोशन करो एंड डायरेक्शन, सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्शन टू दी एम्प्लॉयज। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एनेबल्स टू अकम्प्लिश बिजनेस ऑब्जेक्टिव बाई वे ऑफ इंटीग्रेटिंग दैम विद इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव टू द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, दिस इज द थिंग, राइट। हर एक एम्प्लॉय को एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, लेकिन ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव के पार्ट होता है। तो दिस इज द थिंग, इफ द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड, राइट, अल्टीमेटली द बिजनेस ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड और इट गेट्स अचीव्ड इटसेल्फ। दिस इज द वे द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डेवलप्स। टेक केयर। बेसिक फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज टू मैनेज द एम्प्लॉयज एज दे आर वैल्यूएबल एसेट्स द बिजनेस। It provides proper training and develops personnel for the job. Human resource management evaluates performance of employees and places them at right position. Right? और एक है, right? सब कुछ कर दिया, उसके बाद evaluation बहुत important है। अगर आप evaluation आप employees का करोगे, then only you will get a good manager, then only you will get a better efficient worker for your next job. तो अगर उनको promotion दिलाना है, तो उनके काम का आपको supervising करते रहना जरूरी है। आपको उनको इवेल्यूशन उनके परफॉर्मेंस का करते रहना जरूरी है, एंड दिस वे यू कैन प्रमोट देम और यूज देम, यूटिलाइज देम टू द मैक्सिमम। एफिशिएंट मैनेजमेंट कैन रिड्यूस लेबर टर्नओवर रेट एंड कैन मेंटेन स्किलफुल एम्प्लॉयज फॉर अ लॉन्गर पीरियड इन अ कंपनी। लेबर टर्नओवर, व्हाट इज लेबर टर्नओवर, इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लीविंग द कंपनी, दैट रेट ऑफ एम्प्लॉयज लीविंग द कंपनी इज कॉल्ड लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर कम होना चाहिए, लेबर टर्नओवर कंपनी का टर्नओवर बढ़ना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन लेबर टर्नओवर कम होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ है तो बिजनेस आपका सक्सेसफुल है, राइट। तो अगर आपका लेबर टर्नओवर ज़्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, एम्प्लॉयज आपकी कंपनी को बार बार छोड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके मैनेजमेंट में कई प्रॉब्लम है। तो यू हैव टू सी टू हिट दैट योर लेबर टर्नओवर डिक्रीजेस एंड कंपनीज टर्नओवर इंक्रीजेस। एज पर दी एज पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, conducive atmosphere is provided to employees which ultimately boosts their enthusiasm and efficiency. The values of the companies are maintained and business objectives are automatically achieved. Important. Efficiency of employees tend to increase, profitability of the business increases, business prestige is maintained, right? Agar aapke employees aapke saath hain, saalon se hain, company ka prestige apne aap badhta hai. Higher standards for the quality of goods or services are maintained. देखो बच्चे लोग, आप लोग को एक बात बताऊँ, कभी भी आपने टीवी देखा हो, कोई कॉर्पोरेट कंपनी का, कोई बड़ी कंपनी का अगर कोई एड बताते हैं, तो हमेशा देखना है एम्प्लॉयज के साथ एक ग्रुप फोटो बताएंगे। दिस इज व्हाट कॉल प्रेस्टीज, राइट। दे शो दैट दिस इज अ टीम वर्क, इट इज नॉट अ वन मैन वर्क और वन मैन शो। तो दिस इज व्हाट दे फेल। The higher standards for the quality of goods or services are maintained, feelings of oneness among the employees is developed, maximum utilization of factors of production is possible. Now, reduction in labor turnover rate is seen, job satisfaction among the employees is enhanced, and due to human resource management, employees get
job satisfaction, which finally turns into environment of industrial peace. And this way, our functional areas of management gets over. I hope you understood. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठाएं, आपके दोस्तों को इसको उसका फ़ायदा हो, राइट, सो दैट दे ऑल्सो गेट द क्लियर कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट. थैंक यू.